जिक्र कर रहे थे औपचारिक प्रोटोकॉल का, वही औपचारिक प्रोटोकॉल उसी सुरक्षा घेरे में अपने और हमारे लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री विशेष सुरक्षा दस्ते के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ गए हैं। सभी का सत्कार, हाथ जोड़कर अभिवादन, अविस्मरणीय यादगार सभा बने। और टोंक में इतनी बड़ी रैली, वो टोंक जो सियासी रूप से खास बन गया विधानसभा में और विधानसभा के चुनावों में, मदन लाल सैनी दिखाई पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब मंच पर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए जो इस वक्त टोंक में मौजूद है, इस कार्यक्रम स्थल में जो मौजूद है, उसके लिए बड़ा खास पल है। इतने बड़े नेता जब आते हैं तो जाहिर तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमारे साथ शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, एक बार जानकारी लेते हैं। शशि, तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर आ गए हैं, अब औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का स्वागत और शुरुआत हो रही है, क्या जानकारी बाकी है आपके पास? सीआरपीएफ के जवान थे, उन पर जो कायराना हमला किया वो हमारे लिए देश के लिए अमर शहीद है। यही देखिए, शशि मोहन के पास जाएंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन जो अमर शहीद हैं वो विजय रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, पुष्पांजलि, उनको पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने, सम्मान प्रकट किया, नमन किया शहीदों को, और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण किया, जो कुर्सी उनके लिए लगाई गई, जहां पर बैठने की व्यवस्था की गई। शशि मोहन शर्मा, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो कार्यक्रम से जुड़ी हुई बाकी जानकारी आपसे चाहेंगे, मंच पर तो काफी हलचल है, बाकी जानकारी आप बताएं। सैनी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। चलिए रुक करेंगे शशि का, कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ पाएं और जो कार्यक्रम में हलचल हो रही है, जो मंच पर दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में औपचारिक जानकारी ले सके शशि से और राजेंद्र राठौड़ जी पुख्ता तौर पर अपने दर्शकों तक भी वो तमाम जानकारियां पहुंचा सके। शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। शशि, जानकारी बताएं, तस्वीरें देख पा रहे हैं यहां के सांसद? सबसे अभिवादन स्वीकार करने के बाद उन्होंने पुलवामा के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी है और अब प्रधानमंत्री के स्वागत का दौर चल रहा है, जिसमें सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने स्वागत किया है, फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वागत किया और फिर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब सिंह कटारिया और उसके बाद उपनेता राजेंद्र राठौर। अब सुखबीर सिंह जौनपुरिया है, सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को सांसद पहनाया है और उन्होंने एक अंग वस्त्र पहनाया है खादी का और अब प्रधानमंत्री को एक बड़ी माला पहनाई जा रही है जो पूरी टोंक जिला टोंक सवाई माधोपुर बीजेपी यूनिट की तरफ से पहनाई जा रही है। 51 किलो की ये माला बताई जा रही है और देखिए बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं टोंक के वो ये माला लेकर पहुंचे और साथ ही आप मंच पर तस्वीर देख सकते हैं, जिस भूमिका में कई बार ओम माथुर को देखा जाता था आज राज्यवर्धन राठौर उस भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का साफा ठीक किया, जो साफा लगाने का तरीका